अभी जस्ट मैं गुवाहाटी में हूँ। मैं अभी जस्ट गुवाहाटी में बगिस्ता सारियाली में शर्मा स्वीट करके हैं, उसमें मतलब फर्स्ट क्लास जिलापी बनाते हैं, बहुत काफ़ी खूबसूरत जिलापी रहा। तो उसने उन लोगों ने मुझे बुलाया, आइए हमारे पास बहुत अच्छा जिलापी बनाते हैं, आप लोग देखिए ज़रा। और कैसे बनाते हैं, मुझे बहुत सीखने का शौक था कि जिलापी इतना टेस्टफुल कैसे होता है और कैसे बनाते हैं, मुझको देखना था। तो देखिए कितना मतलब पूछी मत, इतना लाल मतलब बहुत ही खूबसूरत देखो, मतलब कोई टूटा नहीं और कोई किसी में भी टूटा नहीं, ऐसे डायरेक्टली जैसे बनाया राउंड राउंड करते करते इतना खूबसूरत है। तो आप लोग देखिए ज़रा कैसे बनाते हैं, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो ये तेल गरम कर लिया, इसका उसका ऊपर राउंड राउंड करके दे दिया। देखो राउंड 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 कर रहा है अभी, इस सारे का सारे करके लेने के बाद ये तेल है ना बहुत गर्म है। सबसे पहले क्या है, तेल को तेल डालते हैं, इसके बाद तेल को गर्म किया जाता है, जहाँ पे ये इंग्रेडिएंट ना उसमें इतना मतलब ऐसा मिक्स किया जाता है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं तो एक दिन बताऊँगा आप लोग को इस जलेबी बनाने में कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे भी सीखना था तो मैं बोला, तो एक्चुअली जो जो बोला तो भी वो उसको वो डालना लोग ने पड़ता बोला है। ठीक है मैं आप लोग को बताएगा, ऐसा ऐसा कह रहा था। और एक्चुअली मैं जी रियल रूप में क्या था, मुझे जलेबी खाने का शौक था, तो बात करके बात किया था मैं। जैसे बात किया तो अभी वो लोग ने बोला कि नहीं हमारे पास तो जलेबी बना, मस्त जलेबी बनाता है, नंबर 1 क्वालिटी का, आप ऐसे देखेगा मतलब लाल पूरा टूटेगा ही नहीं है। मैंने बोला क्या बात कर रहा है, बोला हाँ तो आप आ जाइए, तो इतना टाइम में आप लोग को दिखाऊंगा, आप वीडियो भी बना लीजिएगा और उसको देख के दूसरा आदमी भी सीख पाएगा। मैंने तो काफ़ी अच्छा लगा और मैंने फ़ोन किया कि आप लोग का जलेबी कब तक बनाएगा, तो उसने बोला कि हम हाँ इतना टाइम में बनाएगा, तो आप आ जाइएगा। तो इसके बाद मैंने गया, जाने के बाद तो मैंने देखा तो लोग ने बना रहे और मुझे को बुलाया, स्वागत किया, ये देखो जलेबी कैसे है गए। तो मोले मुझे को खिलाया भी है, तो देखिए ज़रा। तो मैंने सब लोग को इसलिए भी वीडियो में शेयर किया, देखो पूरा राउंड राउंड लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन लाइन बाय लाइन, ये देखो ये सिम कार्ड साहब, हाँ ये देखा वाह कैसे मतलब वो उल्टा के उल्टा के उल्टाने का मतलब ये है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो कभी पकता नहीं है, जल्दी से पकता नहीं, तो क्या हो गया जो रोल कर देंगे उसमें पक जाएगा, नीचे का जो है नीचे का जल्दी पकता है, तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको डाउन कर देगा तो वो भी नीचे में बराबर दोनों साइड में बराबर पक जाएगा। देखो कितना फ्राई हो रहा है, मतलब ये तेल है, तेल के गर्म में कैसा फ्राई हो रहा है, मतलब ये देखो वाह मतलब शानदार तरीके से मतलब ये हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, बॉइलिंग नहीं एक्चुअली फ्राई, पानी में बॉईल किया जाता है और तेल में फ्राई किया जाता है, तो एक्चुअली ये फ्राई है। तो हर जगह में इंडिया में जिलापी बोलने थे सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा का टाइम है या किसी पूजा का टाइम, किसी त्यौहार का टाइम है, जिलापी है, मतलब किसी अगर त्यौहार में जिलापी नहीं देखा तो लगता नहीं है जिलापी है करके, ये सॉरी त्यौहार है करके। तो ये खासियत है हमारा जो जिलापी है इंडियन जो भारतीय भारतीय लोग के लिए, तो किसी पूजा वगैरह जाएगा तो मन मन मतलब खुशी लगता है और शांति लगता है, हाँ यार कोई तो आया है, कोई कई त्यौहार में आया है करके। तो देखो अभी फ्राई किया, फ्राई करने के बाद फ्राई किया उसको उठाया, उठाने का जो ये मिठाई का जो पानी है उसमें डालेगा, देखो मिठाई में डाल रहा है, हाँ क्या होता है वो जो व्हाइट था वो पूरा लाल तरफ हो जाएगा। मिठाई का पानी में इसको डुबा के रखता है, डुबा के ये देखो डुबा के ऐसे डुबाया, देखा उसको डुबा देंगे, देखो नीचे से नीचे दाब देंगे तो क्या करता है, जो जिलापी है तो उसका पानी फ्राई करने का खाली हो जाता है, तो खींच लेते हैं तो सारे मिठाई अंदर घुस जाते हैं। देखो मुझे को भी खिलाया, वाह मैं तो बहुत ही अच्छा लगा खाना। देखिए ज़रा मिठाई को मतलब पानी में, जैसे मिठाई का जो पानी है उसमें जलेबी को डाल दिया और जलेबी को डाल के थोड़ा अंदर डालते इसको उठा रहा है अभी, देखिए क्या खूबसूरत लगा, देखो वाह फ्लावर जैसे लगा, मतलब देखो कितना लाल, वाह कितना सुपर है ये, मतलब देख के मुझे बहुत खाने के लिए मन कर रहा है, वही इकट्ठा कर लिया है, टूटा भी नहीं है एक भी टूटा नहीं, मतलब जैसे बनाया ऐसे ही रहा। तो देखिए खाना है तो वैसे खाना नंबर 1 ही खाना है, उसमें मतलब टूटे का टूटा भी नहीं है, सब ये है पूरा प्योर ओरिजिनल जैसा, बहुत खूबसूरत है। मैं भी देखा, देखो मुझको बोला आप लोग खा लीजिए माय डियर, तो मैं बोला चलो मैं भी टेस्ट किया, अभी जैसे रेडी होने के बाद मैं टेस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा, बहुत सुपर लग रहा है।
और सबको मैंने थैंक यू बोला, चलो बहुत ही अच्छा है, मतलब आप लोग ने किया। तो इसके बाद मैंने लारू वगैरह है, नेक्स्ट में लारू वगैरह को भी मैं दिखाएगा कैसे बनाते हैं नहीं बनाते उसके बारे में करूँगा। तो देखो मैं जिलापी खाना शुरू